मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उनके यूनिट्स, नीड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट, लास्ट लेक्चर हमने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट दैट कंटेन्स सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेनी मोर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग लास्ट लेक्चर क्लियर किया था, है ना। सो व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, सच फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, दे आर ओन, दे आर बेसिक फंडामेंटल, बिकॉज अगर मास मेजर करना है तो हमें लेंथ और टाइम पर डिपेंड नहीं होना होता है, है ना। जैसे अगर हमें टाइम मेजर करना है तो हमें मास या लेंथ पर डिपेंड नहीं होता है। इसी तरह से अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट का मास, लेंथ, डायमेंशंस या टाइम कितना है, ये इसके ऊपर टेम्परेचर डिपेंड नहीं होता है। सो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से है ना, जैसे देखिए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनके एसआई यूनिट्स भी देखिए, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, है ना, सिंबल स्मॉल एम, देन मास किलोग्राम केजी, टाइम सेकंड स्मॉल एस, टेम्परेचर केल्विन और सिंबल क्या होता है, कैपिटल के, है ना, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और उसका सिंबल होता है एसआई यूनिट का कैपिटल ए, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला स्मॉल सी स्मॉल डी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, दैट इज मेजर्ड इन मोल, एम ओ एल इज द सिंबल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उसके साथ टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। अब इनका मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर क्लियर किया था सबका, ठीक है। सो दीज एसआई यूनिट्स, ओके, लेंथ से लेके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तक, मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब क्या होता है, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन एंड स्टे रेडियन, उनके सिंबल आर ए डी एंड एस आर, ओके। ये फर्स्ट पार्ट हुआ था कंप्लीट। अब फिजिकल क्वांटिटीज का सेकंड टाइप, जैसे यहां पर देखिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिराइव्ड मतलब मेड फ्रॉम, ओके, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से तैयार होती है, ओके, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पहले उसका मीनिंग क्लियर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड्स ऑन वन और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। एनी फिजिकल क्वांटिटी अदर देन दिस सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे देखिए, इन फिजिक्स देयर आर मेनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर, प्रेशर, मोमेंटम एटसेट्रा, ऑल आर डिपेंड्स अपॉन दिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी इस लिस्ट में है क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, अदर देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही तैयार हुई है। देखते अब वेलोसिटी की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब टू पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दैट इज belongs to which fundamental physical quantity, length, इसको हम replace करते हैं, length divided by time। देखिए, velocity physical quantity, length और time
इन दो फिजिकल क्वांटिटी से बनी, लेंथ और टाइम ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो दिस इज मेड फ्रॉम लेंथ एंड टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है? लेंथ एंड टाइम। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पर, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ओके, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड टाइम, तो वेलोसिटी को हम रिप्लेस करते हैं बाय लेंथ एंड टाइम। ओके, इनटू दिस टाइम, सो इसका मतलब एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ टाइम इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहती है। नाउ नंबर थ्री, फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास into acceleration, this is short form of acceleration, okay, mass into, अब acceleration को हम यहां पर ये replace करते हैं, length divided by time into time, है ना, मतलब force physical quantity derived from or made from mass, length, time. Mass, length, time are fundamental physical quantities. इसका मतलब the physical quantities other than fundamental physical quantities which depends on one or more. ठीक है, जैसे यहाँ पर length two physical fundamental physical quantities पर depend थी, अब force physical quantity three fundamental physical quantities पर depend है, mass, length, time, है ना। जैसे number next, area. Area, area का formula होता है length into breadth, a general formula, right? Now length, suppose this is length of the board and breadth of the board. The breadth का मतलब भी क्या होता है? दो point के बीच straight line distance, and that belongs to which fundamental physical quantity? Length. तो यहाँ पर इसको भी हम length replace कर सकते हैं। देखिए, length fundamental physical quantity किस-किस physical quantity को हम replace कर सकते हैं? As a length. जैसे रेडियस, डायमीटर, है ना, ब्रेथ, हाइट, वेथ, थिकनेस, ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनको हम लेंथ ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं। तो एरिया फिजिकल क्वांटिटी किस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है? लेंथ, एक ही फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है, दैट इज लेंथ। ओके, देखिए मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट नंबर फाइव, मोमेंटम। ओके, मोमेंटम सिंबल होता है पी, तो पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है ना। तो मोमेंटम, मास, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और वेलोसिटी दैट इज मेड फ्रॉम लेंथ अपॉन टाइम। सो मोमेंटम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम से डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको यहां पर ये समझ में आ रहा है कि अदर देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे दे ऑल आर मेड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जनरली मैकेनिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है सारे फिजिकल क्वांटिटीज तीन ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। देखिए हमने ये पॉइंट कहां पर डिस्कस किया था, सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, गॉस सेंटिस, इन्होंने इन 1832 तो थ्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स का एक ग्रुप बनाया था, दैट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ, मास, टाइम, और उस आधार पर फिर सीजीएस, एमकेएस, सीएफएस, दीज आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, राइट स्टूडेंट। अब और एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं हम, नंबर सिक्स, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, द टाइम एट विच वर्क इज परफॉर्म। ओके, तो पावर इज इक्वल टू, अब वर्क को क्या लिखेंगे हम? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, शॉर्टली ऐसे लिखता हूं मैं यहां पर, अपॉन टाइम। अब देखिए फोर्स फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या लिखेंगे हम? मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम, टाइम इनटू टाइम, ओके, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्लेस एज लेंथ। देखिए
पावर फिजिकल क्वांटिटी भी मास लेंथ टाइम पर ही डिपेंड करती है, पावर इज ऑल्सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। उसके बाद नंबर सेवन अगर हम लेते हैं यहां पर डेंसिटी, ओके सो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ मास इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम लेंथ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो मास डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ और हाइट को हम लेंथ लिख सकते हैं ना, तो लेंथ इनटू लेंथ, ये शॉर्ट सिंपल लिखा है मैंने से। तो यहां पर आपको क्लियर होता होगा कि डेंसिटी ये फिजिकल क्वांटिटी मास लेंथ से बनी हुई, सो डेंसिटी इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। राइट स्टूडेंट, जैसे नंबर एक प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। अब देखिए फोर्स फिजिकल क्वांटिटी मास लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम, मतलब मास लेंथ टाइम से बनी है, मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम, ओके। और एरिया, एरिया बना है लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज लेंथ इनटू लेंथ। तो हम एरिया को ऐसे लिख सकते हैं यहां पर लेंथ इनटू लेंथ। देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डिराइव करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एट लास्ट हमें क्या मिलता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। देखिए इन फिजिक्स जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें से सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी छोड़ दीजिए, ओके। नाउ अदर देन सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, पूरे फिजिकल क्वांटिटीज बिलोंग्स टू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑल्सो नोन एज बेसिक और ब्लॉक्स फॉर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऑल इस पूरे फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सेवन फिजिकल क्वांटिटीज अगर हम साइड में रखते हैं, तो बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज ये सेवन फिजिकल क्वांटिटी से ही बने हैं। जैसे हमने मैकेनिक्स में एट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किए जो मास लेंथ एंड टाइम से बने होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हम अदर फील्ड से, जैसे अदर देन मैकेनिक्स, फॉर एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें देखें फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिंपल वी, तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू, ये फॉर्मूला है ना, आपको नाइन्थ या टेंथ में हुआ है शायद। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, ना क्या डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस के, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसकी डेफिनेशन है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए यहां पर वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू एनी कंडक्टर, ओके, सो क्यू बाय टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, आई इंटू टी, व्हाट इज आई, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम टी, ओके। नाउ देखिए फोर्स, फोर्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम से बनी है, यहां पर हम मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटू टाइम, ओके। डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्लेस करते हैं बाय लेंथ डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इंटू टाइम। इसका मतलब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से तैयार हुई है, मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम,
ऑल आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। और एक एग्जांपल यहां पर डिस्कस करते हैं फ्रॉम हीट सेक्शन, थर्मल सेक्शन, है ना। जैसे हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहां पर होता है देखिए, यम यस डी थीटा, ये फॉर्मूला। अब हीट एब्जॉर्ब अगर फॉर्मूला लेते हैं हम यम यस डी थीटा, तो यहां पर यम मतलब मास ऑफ द सब्सटेंस विच हीट एब्जॉर्ब्स, यस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, डी थीटा राइज इन टेम्परेचर, है ना। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है। अगर हीट लॉस्ट किसी ऑब्जेक्ट से, अगर हीट लॉस्ट होती है ओके, तब यम यही फॉर्मूला भी यूज करना होता है, यम मास ऑफ सब्सटेंस, यस उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डी थीटा वहां पर क्या होगा, फॉलिंग टेम्परेचर। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो यस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय यम इंटू डी थीटा, ठीक है। तो यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब लेट इट इज डिनोटेड बाय डी क्यू, ओके, यम और डी थीटा यहां पर डिनोमिनेटर में आएंगे। नो व्हाट इज डी क्यू, हीट एब्जॉर्ब और हीट लॉस्ट, हीट मतलब वन काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ यम वी स्क्वायर, है ना, यम मतलब मास, वी वेलोसिटी, अब वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, मतलब लेंथ बाय टाइम उसका स्क्वायर, इसका मतलब एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास लेंथ एंड टाइम, ओके। तो यहां पर हम हीट इज वन काइंड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास लेंथ एंड टाइम, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम और उसका स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय यम मास इंटू व्हाट इज डी थीटा, डी थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको हम टेम्परेचर लिखेंगे, टेम्परेचर, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिजिकल क्वांटिटी मास पर डिपेंड है, लेंथ टाइम पर डिपेंड है और टेम्परेचर, ऑल आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डिराइव होते हैं, सो आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमने 10 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड की, यहां पर आपको क्लियर हो गया ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मेड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए वेलोसिटी डिपेंड्स फ्रॉम लेंथ एंड टाइम, अब यहां से हम इनके असाइनमेंट्स कैसे तैयार कर सकते हैं, लेंथ का असाइनमेंट क्या होता है मीटर और टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये इसका यूनिट होता है, हां, जैसे एक्सेलरेशन लेंथ मीटर अपॉन टाइम का असाइनमेंट होता है सेकंड, सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। अब फोर्स देखिए यहां पर मास किलोग्राम, है ना, लेंथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, लेकिन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू न्यूटन, है ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू दिस एक्सेलरेशन, सो हम न्यूटन यम सिंबल यहां पर यूज करते हैं, एरिया लेंथ इनटू लेंथ दैट इज मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम लेते हैं तो मीटर क्यूब होगा, है ना। नो मोमेंटम देखिए मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, अब यहां पर यूनिट मास किलोग्राम, लेंथ मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम का यूनिट होता है। वैसे देखिए पावर का यूनिट कैसे तैयार होगा, पावर डिपेंड अपॉन मास लेंथ एंड टाइम, देखिए मास किलोग्राम, लेंथ लेंथ मतलब मीटर मीटर, मीटर स्क्वायर, ओके, पर टाइम इनटू टाइम इनटू टाइम मतलब सेकंड इनटू सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड क्यूब, इसको हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, ओके, दैट मींस अब देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर मतलब जूल होता है पर सेकंड एंड इट इज इक्वलेंट टू वैट, है ना, ये पावर का यूनिट होगा। डेंसिटी देखिए मास किलोग्राम मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, मीटर क्यूब, दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। प्रेशर,
फोर्स अपॉन एरिया दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 पास्कल राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसका सिंबल कैपिटल वी बिकॉज अलेक्जेंडर वोल्टा इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो कैपिटल वी सिंबल, जैसे न्यूटन नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने कुछ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस किए जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनते हैं और उनके यूनिट्स भी यहाँ पर हमने डिस्कस किए राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है इंक्लूडिंग फंडामेंटल एज वेल एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, ओके, एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज पर्टिकुलर यूनिट दैट इज नोन एज रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज यूनिट। अब यूनिट्स लिखने की कुछ साइन कन्वेंशंस हम कह सकते हैं, सम कन्वेंशंस आर देयर व्हाइल राइटिंग एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे नंबर 1, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन और साइंटिस्ट। ओके, जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, NEWTON। ओके, जनरली हम नेम ऑफ पर्सन जब लिखते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है NEWTON लाइक दैट। ओके, लेकिन अगर हम यूनिट लिखते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तब इसका स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से ही करना है, कैपिटल लेटर से नहीं है। ओके, यूनिट ऑफ एनर्जी, ओके, क्या होता है, जूल, तो स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से करनी है, कैपिटल लेटर से नहीं करनी है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो ए स्टार्टिंग लेटर स्मॉल लिखना है, ओके, एम्पियर, नॉट कैपिटल, ए से स्टार्ट करना है। ओके, जैसे वोल्ट, केल्विन, है ना, केल्विन इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर एक्सेट्रा। सो अगर यूनिट स्टार्ट होता है फ्रॉम द नेम ऑफ द पर्सन, ओके, आफ्टर द नेम ऑफ द पर्सन, तो यहां पर स्टार्टिंग लेटर हमेशा स्मॉल लेटर लिखना है जब हम फुल फॉर्म ऑफ यूनिट लिखते हैं। ओके, सेकंड, सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर पर्सन शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर। अगर देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट हमने लिखा था, फुल नेम ऑफ यूनिट, तो अगर वो पर्सन का नेम है तो स्टार्टिंग लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंबल लिखते हैं, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, अगर ये सिंबल लिखना है तो कैपिटल एन लिखना है हमें, जूल लिखना है यूनिट ऑफ एनर्जी तो कैपिटल जे लिखना है, एम्पेयर के लिए कैपिटल ए, ओके, वोल्ट के लिए कैपिटल वी, केल्विन के लिए कैपिटल के, जैसे पावर का यूनिट होता है वाट, ओके, अगर उसको हम फुल फॉर्म में लिखते हैं तो यहां पर लिखना होगा स्मॉल डब्ल्यू ATT, ओके, लेकिन सिंबल अगर लिखते हैं तो यहां पर कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे। ओके, थर्ड रूल देखिए, सिंबल फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटर्न इन स्मॉल लेटर। ओके, जैसे अगर नेम ऑफ द पर्सन नहीं है, साइंटिस्ट का नेम नहीं है, जैसे मीटर का सिंबल क्या होगा, स्मॉल एम, ओके, तो बिकॉज मीटर इज नॉट नेम ऑफ द साइंटिस्ट। देन सेकंड, ओके, किलोग्राम दैट इज केजी। ओके, द सिंबल ऑफ ऑल अदर यूनिट्स नॉट आफ्टर द नेम ऑफ पर्सन शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर। ओके, नंबर 4, सिंबल ऑफ यूनिट शुड नॉट बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। देखिए अगर लेंथ ऑफ दिस रॉड, ओके, इज 1 मीटर, तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर लेंथ ऑफ रॉड यहां पर होगी 20 मीटर, ओके, तो लेंथ ऑफ अनदर रॉड इज इक्वल टू 20। अब 1 सिंगुलर फॉर्म है, 20 प्लूरल है, तो यहां पर हमें यम यस, जैसे हम प्लूरल फॉर्म में जनरली यस और ईएस सफिक्स लगाते हैं, है ना, जैसे बुक बुक्स, बॉक्स बॉक्सेस, है ना, यस और ईएस हम यहां पर सफिक्स लगाते हैं। वैसे अगर यूनिट में मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है तो वहां पर प्लूरल फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर यूनिट का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है तो वहां पर प्लूरल फॉर्म नहीं लिखना है, सिंगुलर फॉर्म ही लिखना है, मतलब एम एस नहीं लिखना है, एम ही लिखना है, मीटर, ओके, तो 20 मीटर्स नहीं लिखना है, 20 मीटर होता है। फॉर एग्जांपल
मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, ये ऐसा लिखना है, ठीक है, 100 kgs ऐसा नहीं लिखना है, kgs. तो हमेशा सिंबल ऑफ यूनिट शुड बी रिटन इन सिंगुलर फॉर्म, नॉट इन प्लूरल फॉर्म. नंबर 5, फुल स्टॉप और एनी अदर पंक्चुएशन मार्क शुड नॉट बी रिटन आफ्टर द सिंबल ऑफ यूनिट. जैसे एग्जांपल देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो यहां पर ऐसे फुल स्टॉप नहीं लिखना है, या फिर इनवर्टेड कॉमा ऐसा भी नहीं लिखना है, ठीक है. तो फुल स्टॉप, ओके, तो फुल स्टॉप और एनी अदर पंक्चुएशन मार्क, जैसे फुल स्टॉप होता है ना, कॉमा, जैसे सेमी कॉलन, इनवर्टेड कॉमास, या फिर इसको अंडरलाइन भी नहीं करना है, मतलब फुल स्टॉप एनी अदर पंक्चुएशन मार्क यहां पर नहीं लिखना है. जनरली हमें आदत होती है कैसे, फोर्स, अगर हम कंक्लूडिंग आंसर लिखते हैं ना, एट लास्ट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और हमें हमेशा एट द एंड ऑफ सेंटेंस फुल स्टॉप देने की आदत होती है, तो यहां पर फुल स्टॉप नहीं देना है. ओके बच्चों, तो यहां पर ये कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए, दैट इज नोन एज सम कन्वेंशंस या फिर साइन कन्वेंशन व्हाइल राइटिंग एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ओके स्टूडेंट्स.